हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही यूनिक सी रेसिपी। और ये देखिए, यहाँ पे लिया हुआ है खीरा, प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, आप जो भी हरी सब्जियाँ चाहे वो ले सकते हैं बीन्स को छोड़ के, और पिज्जा सॉस, मेयोनीज और ब्रेड। और छोटी सी भूख के लिए छोटा सा मतलब वीडियो है, और बहुत ही यूनिक है, नया है, बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है। फटाफट इसको बनाते हैं और बच्चों के साथ अपने साथ एंजॉय करते हैं। तो चलिए, यहाँ पे मैंने लगा हुआ है पिज्ज़ा सॉस, और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं लगाना है। और इस ना पिज्ज़ा सॉस के लिए ब्रेड पिज्ज़ा ये बना रहे हैं, तो इसके लिए पिज्ज़ा सॉस ज़रूरी है। थोड़ा सा आप ले लीजिए इसके लिए, और यहाँ पे आप जितना आपको सब्जियाँ ज़रूरत हो उतना आप डालिए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, खीरा सब ऐड करूँगी, ताकि ना इससे क्या होगा कि ये देखिए नुकसान तो बिल्कुल नहीं करेगा, बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और मैं वही वीडियो ज़्यादातर बच्चों का, जो मतलब बच्चों के लिए पसंदीदा हो, बच्चे खा सके, वही वीडियो ज़्यादातर मैं बनाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये ना, और छोटी मोटी भूख के लिए तो ये बहुत ही आसान है। और इसके ऊपर थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ चाट मसाला, जिससे ये चटपटा लगे थोड़ा सा, और काला नमक, तो इसको ऐड करना ज़रूरी है, ताकि काला नमक से क्या होता है ना, टेस्ट बहुत अलग आता है इसका, इसलिए कि इसमें कुछ किसी भी चीज़ में ना नमक नहीं है, तो इसके ऊपर नमक डालना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद से लेंगे थोड़ा सा चीज़, और इसके ऊपर ऐसे ही लगा देंगे, ताकि ये ना बहुत ही इसका टेस्ट बढ़ जाएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा, इससे इसका टेस्ट दोगुना हो जाएगा फ्रेंड। तो चीज़ ज़रूर ऐड करिए इसमें। और इसके बाद इसको ब्रेड पे ऊपर के साइड में जो ब्रेड लेंगे उसमें हल्का सा मेयोनीज लगा देंगे, ताकि उसका टेस्ट बढ़ जाए। तो इस पे मैं अभी और काला नमक ऐड कर रही हूँ इसके ऊपर भी लगा के, ताकि ये इसका टेस्ट अच्छा लगे, खाने में टेस्ट अच्छा हो। तो देखिए, मैं ये ब्रेड ली हूँ और इसके ऊपर मेयोनीज लगा दूँगी, ताकि ये ना मतलब ऊपर का साइड और नीचे का साइड ऐसा ना लगे कि अलग अलग टेस्ट, थोड़ा सा अलग आए, और बहुत ही यूनिक है फ्रेंड्स। तो इस तवे लेंगे, फ्राई पिन नहीं है तो आप तवा यूज करिए, और फ्राई पिन है तो आप फ्राई पिन ले लीजिए। यहाँ पे चाहें तो आप बटर यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं देसी घी ही ऐड कर रही हूँ। और इसी पे इसको रख के, और हल्के गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखिए, ताकि ये जले ना, नीचे से अच्छे से मतलब पके, बहुत अच्छे से पक जाए, हरी सब्जियाँ जो डाला हुआ है ना वो अच्छे से पक के रेडी हो जाए। तो देखिए यहाँ पे ये बन के रेडी हो गया है, और ये थोड़ा सा नीचे के साइड मतलब लग रहा था, लेकिन देखिए यहाँ पे ये बहुत अच्छे से पक के रेडी हुआ है फ्रेंड्स। तो ऐसे ही हमें सारे ब्रेड को बना लेना है। तो देखिए यहाँ पे ये बनके रेडी हो गया। अब मैं दूसरा बना रही हूँ, तो देखिए यहाँ पे ये भी दूसरा वाला भी रेडी हो गया फ्रेंड्स। ऐसे ही हमें सारे ब्रेड को बना लेना है। तो देखिए मैं यहाँ पे सेकंड जो बना रही, थर्ड जो बना रही हूँ, फिर से आपको दिखा रही हूँ एक बार। और मैं इस पे सारे हरी सब्जियाँ मिला दी हूँ, और सॉस पहले नीचे लगाएंगे, उसके बाद सारी हरी सब्जियाँ लगाएंगे, उसके बाद काला नमक लगाएंगे, चाट मसाला ऐड करेंगे, उसके बाद इसको ऊपर और एक ब्रेड रख के इसको बंद कर देंगे, उसके बाद गैस पे चढ़ा देंगे तवे पे। देखिए यहाँ पे पिज्जा सॉस जरूरी है, ताकि तभी तो ये पिज्जा के जैसे मतलब ब्रेड पिज्जा जो है ना, ये उसका टेस्ट बहुत मतलब एकदम वही आएगा, जो पिज्जा आप खाते हैं ना वही टेस्ट इसका आता है। तो एक बार जरूर ऐसे बना के ट्राई करिए, और फटाफट बनने वाली रेसिपी है, झटपट बना लेंगे आप। देखिए इस पे लगाना है मेयोनीज, मैं यहाँ पे पिज्जा सॉस ही थोड़ा सा लगाती हूँ, उसके बाद से मेयोनीज भी इस पे लगा के, और इसको लगा ढक देंगे इसी से, इसको ऐसे ही बंद करके, और तवे पे फिर इसको भी चढ़ा देंगे। दो मिनट में बन के रेडी हो जाए फ्रेंड्स। तो दो मिनट में ये, दो मिनट का भूख, दो मिनट की रेसिपी। देखिए यहाँ पे ये अंदर से, और देखिए कितना पक के रेडी हो गया है। मैं दोनों तरफ से इसको कट कर देती हूँ।
और एकदम ना कुरकुरा हुआ है फ्रेंड्स। इस सिकने से ना गैस का जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो रखेंगे तो देखिए पिज्जा कितना अच्छा दिख रहा है और कितना खूबसूरत लग रहा है ना। हरी सब्जियां भी इसमें पूरे अच्छे से ऐड हैं तो ये बहुत खूबसूरत दिख रहा है फ्रेंड्स और टेस्टी भी है। सो देखिए यहाँ पे कितना खूबसूरत दिख रहा है। देखिए मैं पूरा अंदर तक इसको दिखा रही हूँ और ये कितना अच्छा लग रहा है, दिखने में भी अच्छा लग रहा है, खाने में भी अच्छा है, टेस्ट भी इसका बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स। तो एक बार ये बना के जरूर ट्राई करिएगा और छोटी सी भूख के लिए छोटा सा वीडियो, और पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और देखिए ये बहुत टेस्टी बना हुआ है फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी। आप एक बार जरूर ट्राई करके कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसा लगा। ब्रेड पिज्जा जो है ना ये बहुत ही आसान है बनाना। पिज्जा में थोड़ा सा समय लगता है लेकिन इसमें बिल्कुल समय नहीं है, और जो घर में सामान है ना उसी से बन जाएगा ये फ्रेंड्स। तो एक बार ऐसे जरूर ट्राई करिएगा, पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। और देखिए यहाँ पे मैं ना थोड़ा सा उसके ऊपर चाट मसाला ऐड कर रही हूँ ताकि इसका टेस्ट और भी अच्छा लगेगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।